केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तराखंड दौरे पर डटे हैं। प्रदेश नेताओं से ज्यादा केंद्रीय नेताओं का बीजेपी को सहारा है, तो वहीं बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक इस हफ्ते उत्तराखंड दौरे पर होंगे, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, राधा मोहन, उमा भारती, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेताओं की जनसभा होगी। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में यानी कि 12 फरवरी को मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी में चुनाव प्रचार का सिलसिला तेज होता जा रहा है, एक के बाद एक लगातार बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर हैं। प्रदेश नेताओं से ज्यादा केंद्रीय नेताओं का बीजेपी को सहारा है, तो वहीं बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक इस हफ्ते उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, राधा मोहन, ये सब कई नेता हैं जिनकी जनसभाएं होनी है, और 12 फरवरी को पीएम मोदी आएंगे उत्तराखंड, जनता को संबोधित करेंगे। और सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज राणा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, चुनाव बहुत ही करीब है, वक्त बहुत कम बचा है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बन गई है। लगातार केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तराखंड दौरे पर हैं और रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। जाना चाहेंगे कौन कौन से केंद्रीय नेता आने वाले हैं? रिजमाना, देखिए ये अंतिम दौर है चुनाव प्रचार का और 7 तारीख आज हो गई और एक हफ्ते का पूरा वक्त बचा है। 13 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। उससे पहले पहले केंद्र के जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो उत्तराखंड दौरे पे लगातार डटे हुए हैं। आज भी कई मंत्री उत्तराखंड दौरे पे रहेंगे, अलग अलग जगहों पर वो संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात रिजमाना ये रहने वाली है कि चुनाव प्रचार का जब बिल्कुल अंतिम दौर होगा, 10, 11 और 12 तारीख को जब अंतिम दौर होगा, जब बिल्कुल पीक मौसम होगा चुनाव का, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़ी जनसभाओं को 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं अलग अलग जगह पर। जो प्रदेश प्रवक्ता हैं विनय गोयल, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस चुनाव प्रचार की पूरी जो कमान है उनके पास में है, किस मंत्री का कहां दौरा लगना है, किस तरह से इनको तैयार किया जाना है, वो इस पूरी कड़ी को देख रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से वो इस अंतिम दौर में पूरे मंत्रियों को यहां उतार रहे हैं, उसका क्या फायदा बीजेपी को होने वाला है। गोयल जी, पूरी चुनाव प्रचार की कमान आपके पास में है, किस तरह से आप देख रहे हैं अंतिम दौर में प्रधानमंत्री दौरे पर रहेंगे, वो कितना जोश कार्यकर्ताओं में भरने वाले? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यवस्थित तरीके से हमेशा चुनाव लड़ती आई है, इस बार भी हम उसी प्रकार से अपनी माइक्रो प्लानिंग करके चुनाव प्रचार को धीरे धीरे शीर्ष तक ले जा रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभाएं 10, 11, 12 में मांगी थी और हमें खुशी है कि वो 4 जनसभाएं हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की मिली है। हमने सुदूर पिथौरागढ़ से लेके यहाँ हरिद्वार और श्रीनगर और इस प्रकार से जो हमने जनसभाएं रखी हैं, उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि इससे घबराकर जो कांग्रेस है वो अपनी जनसभा करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है और जो रोड शो भी उन्होंने तय किए थे वो भी कैंसिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से कांग्रेस आत्मसमर्पण जैसी स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। तो जिस तरह से कहना है बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल का कि पूरी तरह से जो कांग्रेस का डर है वो नजर आने लगा है, क्योंकि आज राहुल गांधी की का एक रोड शो हरिद्वार में होने वाला था, उसे एक एक कारणों से निष्कासित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का दौरा लगा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जो केंद्र के नेता है, वो उत्तराखंड दौरे में नहीं आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसकी पूरी कमान संभाली हुई है, क्योंकि आज भी बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय नेता है वो अलग अलग दरों पर कई बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। खुद अमित शाह 3 दिन में 9 बड़ी जनसभा करेंगे, नितिन गडकरी जी 3 दिन में बड़ी बड़ी 9 जनसभाएं करने जा रहे हैं। इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम निर्माण यहाँ लगाए गए हैं जी। बिल्कुल, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो क्या क्या मुद्दे बीजेपी के पास है, क्या क्या मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएगी बीजेपी? देखिए जमाना, पहली बात तो यह है कि जितनी भी जनसभाएं हो रही हैं उसमें बीजेपी ने सभी तरह से जो मुद्दे जो घोषणा पत्र में तैयार किए गए हैं उनको जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ही जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से हरीश रावत पर, उन भ्रष्टाचारों को जनता तक समझाने की पहुंचाने के 2-3 तरीके अपनाए गए हैं। एक तरफ जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन में डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जनसभाओं में जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार रही है हरीश रावत की, उसमें किस तरह से घोटाले
खड़े हुए हैं, लेकिन ये समझा पाना कितना आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि सबसे जो नजरें हैं वो नरेंद्र मोदी की रैलियों पर है। देहरादून में जब उनकी रैली हुई थी तो उसके बाद एकदम से माहौल बदल गया था। अब हरिद्वार, पिथौरागढ़ और श्रीनगर और रुद्रपुर में जो इनकी रैलियां होने जा रही है उन पर सबकी नजरें उड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने जो मैनेजमेंट किया है वो बड़े बेहतर तरीके से किया है। तराई और तराई के जो क्षेत्र है वहां पर भी पूरी तरह से फोकस किया गया, उसके साथ साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। गोयल जी हमारे साथ हैं, उनसे ये जानेंगे कि मुद्दे क्या विशेष हैं, क्योंकि मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बार भी बात की है, लेकिन इस बार जनता को जो समझाने जा रहे हैं वो क्या कितनी छाप जनता के दिल पे छोड़ने वाला है, क्योंकि उसके दो दिन बाद ही वोट डलेंगे, मतदान का समय होगा और जनता उसे कितना समझ पाएगी। गोयल जी कई मुद्दे हैं लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से आप कितना समझाने में कामयाब होंगे? देखिये, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का विनाश और प्रदेश का विकास। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ने पिछले कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश को जर्जर हालत में पहुंचाया है, कर्ज के गर्त में पहुंचाया है, उससे बाहर निकालकर, और जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डबल इंजन लगाकर इस प्रदेश को विकास को चरम पर ले जाना, उसकी तरफ पूरे देश की और प्रदेश की जनता की निगाहें लगी हुई हैं, और हम उसी प्रकार से काम करते हुए अपने प्रदेश के विकास के लिए उत्तराखंड में भारी बहुमत, दो तिहाई बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। तो देखा, जिस तरह कहना है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, प्रदेश से भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश को करना है, तमाम चीजें आगे होने वाली है और इसी को लेकर ये सब चीजें अब तैयार की गई हैं। चुनाव प्रचार का ये अंतिम दौर है और इस अंतिम दौर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और इस वक्त जिस तरह से उनका कहना है कि जनता को वो किस तरह से समझाएंगे, रैलियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश के नेता है वो डे टू डे कैंपेन में लगे हैं, प्रत्याशी लगे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मतदान का वक्त होगा उस वक्त जनता किसको चुनती है, किसको नाकार। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किससे चुनती है और किससे नहीं, क्योंकि दावे तो हर पार्टी ही करती है कि सत्ता में वही आने वाली है, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये वक्त बताएगा। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए पंकज। तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बन चुकी है, जिसमें कई नेता है, राधा मोहन, उमा भारती, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता है जो जनसभा करेंगे। और अगर बात करें पीएम मोदी की तो 12 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, जनता को संबोधित करेंगे।